ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइज, अगर आपने आज ही मंडे नाइट रॉ नहीं देखी तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से वो सही बातें जान पाएंगे जो आज हमें रॉ के एपिसोड में देखने को मिली। लेकिन इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में, जहां हम बात करेंगे WWE ने काफी बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल शो के लिए। इसके अलावा डीन एम्ब्रोस की रेसलमेनिया 34 के इवेंट से जुड़ी बड़ी अपडेट और नेक्स्ट रॉ के बारे में बात करेंगे, जहां पर ऑलरेडी एक बड़ा मैच और एक बड़ा सेगमेंट बुक हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं 27 अप्रैल 2018 को सऊदी अरब में होने वाले ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के बारे में, जहां पर हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट एवर 50 मैन रॉयल रंबल मैच। इसके अलावा कुछ टाइम पहले WWE ने 7 बड़े टाइटल मैचेस भी इस शो के लिए अनाउंस कर दिए थे। हालांकि उस समय WWE ने बताया नहीं था कि कौन से वो टाइटल मैचेस में कौन से सुपरस्टार हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन अब WWE ने कुछ मैच कार्ड कंफर्म कर दिए, जहां पर पहला बड़ा मैच जो कि WWE ने इस शो के लिए कंफर्म किया है वो है ट्रिपल एच वर्सेस जॉन सीना के बीच। जी हाँ, काफी लंबे टाइम के बाद हमें ये सुपरस्टार एक सिंगल्स मैच इस शो के अंदर लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मैच WWE ने कंफर्म किया है वो होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक लैडर मैच, जो कि हमें देखने को मिलेगा मिज वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर वर्सेस समोन सबमिशन मशीन समोआ जो के बीच। जी हां, इस इवेंट के अंदर हमें समोआ जो भी देखने को मिलेंगे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेसलमेनिया के बाद रॉ के किसी एपिसोड में हमें समोआ जो की वापसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी WWE ने एक टाइटल मैच कंफर्म किया, जो कि हमें देखने को मिलेगा शेमस एंड सिजारो वर्सेस हार्डी बॉयज के बीच। इसका मतलब कि जेफ हार्डी भी हमें बहुत जल्दी WWE में अपनी वापसी करते हुए दिखाई देंगे। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि शेमस एंड सिजारो का हमें सऊदी अरब में होने वाले शो के लिए रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा, जो कि होगा रेसलमेनिया 34 के बाद। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि इससे तो हमें यही बात लगती है कि शेमस एंड सिजारो रेसलमेनिया 34 में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। तो शायद आप थोड़ा सा गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मैच कार्ड जो है कभी भी चेंज हो सकते हैं। अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन को कोई टैग टीम पार्टनर मिलता है, जो कि मिलेगा ही, और उसके बाद वो रेसलमेनिया 34 में चैंपियनशिप जीत जाते हैं, तो हो सकता है इस शो के लिए शेमस एंड सिजारो की जगह हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन और उनका कोई टैग टीम पार्टनर देखने को मिले। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी अगले मंडे नाइट रॉ से। तो कल एक वीडियो में आपको कहा था कि पॉसिबली हमें रॉ के एपिसोड में देखने को मिल सकता है सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच एक सिंगल्स मैच, लेकिन हमें ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिला। जस्ट हमने ये देखा कि फिन बैलर ने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक किया। तो WWE ने अगले रॉ के एपिसोड के लिए ऑफिशियल एक मैच को कन्फर्म कर दिया, जो कि हमें देखने को मिलेगा सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच। तो मतलब एक बार फिर से ये दोनों सुपरस्टार हमें रिंग में लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा एक बड़ा सेगमेंट जो कि अगले रॉ के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा वो है फेस ऑफ, जो कि होगा कर्ट एंगल रोंडा राउसी ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन के बीच। तो काफी कुछ धमाल भी हमें उस सेगमेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली बात है, रेसलमेनिया से पहले लास्ट रॉ का एपिसोड होगा, तो काफी कुछ बड़ी चीजें हमें अगले रॉ के एपिसोड में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी है लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस से। आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई डीन एम्ब्रोस के बारे में कोई अपडेट, तो फाइनली एक अपडेट है मेरे पास आपको देने के लिए, और वो ये, जैसे ही काफी टाइम पहले मैंने आपको अपने चैनल अपडेट दे दी थी कि डीन एम्ब्रोस को एडवर्टाइज किया जा रहा है रेसलमेनिया एक्सेस के लिए। अब रेसलमेनिया एक्सेस वो इवेंट होता है जहां पर सुपरस्टार आते हैं, अपने फैंस से मिलते हैं, ऑटोग्राफ साइन फोटो खिंचवाना वगैरह वगैरह, मतलब वो फैंस के साथ जो है बातें करते हैं। तो ऐसे में डीन एम्ब्रोस का उस शो से हटा लिया गया और WWE ने ऑफिशियली बता दिया कि अब वहां पर हमें डीन एम्ब्रोस देखने को नहीं मिलेंगे और उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट की गई है रिक फ्लेयर एंड स्टिंग की। तो इस बात से हम क्या समझे, डीन एम्ब्रोस के साथ क्या हुआ, कि उनके साथ कोई पॉजिटिव चीज हुई है या फिर नेगेटिव चीज हुई है। पॉजिटिव चीज की तरफ चलें तो बातें ये सामने आ रही कि रिसेंटली जो डीन एम्ब्रोस है वो गए थे बर्मिंघम अलबामा में अपनी इंजरी देखने की, उनकी इंजरी कैसे चल रही है, रिकवरी कैसे चल रही है। तो उसके चलते WWE को अपने इन प्लान में चेंजेस करने पड़े। अब यहाँ पर पॉजिटिव देखें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डीन एम्ब्रोस हमें रेसलमेनिया एक्सेस में नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि कहीं पर अपनी सरप्राइज अपीयरेंस देंगे। अब वैसे ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन नेगेटिव देखें तो वो ये कि WWE ने सही नहीं समझा डीन एम्ब्रोस को उस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए। अब एग्जैक्टली डीन एम्ब्रोस के साथ क्या बात है वो तो बातें सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, अगर इस बारे में कोई डिटेल में अपडेट आती है तो मैं आपको चैनल पर जरूर दे दूंगा। तो गाइस, बस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल शो के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।